आज मैं अपने गांव का पुराना नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं अभी छत पर आ चुका हूं। आप देख सकते हैं कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। उधर वाइट घर है, हरियाली ही हरियाली छाया हुआ। एक पेड़ की पत्तियों का मैंने फोटो लिया है। पेड़ का नाम आमला है। आप आगे भी देख सकते हैं, बगल में घर है, ये आसमान नीला है और घर है मेरे बगल वाला, और चारों तरफ मेरे घर की हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। आसमान भी नीला है लेकिन बरसात हो नहीं रहा है। बरसात का मौसम है लेकिन बरसात का कोई उम्मीद नहीं है। आसमान देख सकते हैं बहुत ही नीला है। मेरे गांव घर बीच में ही पड़ता है और मेरे घर के चारों तरफ सिर्फ घर ही घर बना हुआ है, और बहुत सी घर ऐसे भी हैं जो मेरे घर से बहुत नीचे है। चलिए उतरते हैं घर से नीचे और आगे वीडियो शुरू करते हैं। मैं घर के आगे हूँ, आप देख सकते हैं जंगल है चारों तरफ। मैं घर गली से बाहर जाने लगा। ये घर पुराना था जो कि अब टूट चुका है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे उग चुके हैं। आप देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। मैं अपने घर से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। हम यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या करते हैं सब। अरे तो डर के भाग गए। आगे देखिए गली है। मेरा कुत्ता अच्छा नाम जैकी था। ये मेरा भैंस है, गौशाला का गाय भैंस है, एक गाय है, चार भैंस है। आपने अपने घर में यहाँ गाय पाला जाता है। ये खड़ी है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कौन से घास का जंगल में आ गए हैं। तो जंगल पार करते ही मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये लगता है आसमान का व्यू दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि जंगल में पार ही नहीं हो पा रहा है। अभी मैं जंगल को पार करूंगा। थोड़ी देर में अपने जंगल को पार कर जाएंगे। ये बड़ी बड़ी घास का मैदान है, घास बहुत ही ज़्यादा है। मेरे साथ खेलने लगे। हम चलते हैं खेत की ओर। खेत देखने पर सड़क बहुत ही पतली है और इस खेत में चारों तरफ रोपा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। अभी जुलाई का हम लास्ट डे चल रहा है, लास्ट वीक है। चारों तरफ हरियाली, मेरे गांव में सभी धान रोपा गया है सभी का। ये तारों का बगान है। आसमान बिल्कुल नीला है लेकिन बहुत साफ है। दो दिनों से बारिश नहीं हो रही है। ये देख रहे हैं आप, पतली पहाड़ी से दोनों तरफ खेत है जिसमें धान रोपा चुका है। ये बहुत ही संभल कर चलना पड़ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो मेरा मोबाइल पानी में गिर सकता है। बहुत ही रिस्क लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक जरूर कीजिएगा। ये चारों तरफ धान ही धान है। बहुत कितने पानी है, बहुत में पानी भी नहीं है। सूरज की वीडियो 3-4 के बीच में शूट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं क्या घास है, घास आड़ी हुआ है, दोनों तरफ धान रोपा हुआ है। आगे हम जा रहे हैं। ये धान बहुत पहले रोपा है, इसका सबसे ज़्यादा हरा है। इस साइड वाला कम हो रहा है क्योंकि इधर ही नया रोपा है। हम अपने गांव के अलंग पर आ चुके हैं जिसे अड़ा कहते हैं। आप देख रहे हैं क्या पेड़ बहुत है। यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं चले जाके देखते हैं। अरे तो साइकिल से उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ गया। ये बच्चे यहाँ गर्मी का धूप में आराम करने के लिए आते हैं और यहीं पर खेलते रहते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं अपनी वीडियो में। देख रहे हैं कि जो बच्चे सड़क है तो मतलब तार बहुत ही अच्छी तरीके से उगे हुए हैं, बहुत ही बड़े हैं। गर्मी के बहुत आराम मिलता है, जब आप सैर करने आते हैं तो बहुत मिल रही है। और एक कहीं जा रहे हैं, एक गांव का छोटा तालाब है जिससे आज का पानी कम होता है। तालाब है इधर बहुत दूर से जाते हैं। पीर है अति सड़क से मार्ग की ओर बढ़ती है। बहुत ही हरा है।
हैं आगे वीडियो में बढ़ते हैं। बारिश नहीं हुई है जिसके कारण सभी खेतों में पानी सूख चुका है और धान भी उतना अच्छे हरा नहीं हो पा रहे हैं। पानी कमी के कारण धान खराब है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में वर्षा होगी जिसके कारण से धान में जान आएगी। लेकिन धान इतने सूखा हुआ है, कुत्ता ही बीच में अगर बैठा हुआ है। चारों तरफ पानी की कमी के कारण धान की रंग में उदास आ गया है। तालाब में पानी है लेकिन इतना कम है, बहुत कम है, घर तक पट नहीं सकता है। बबूल तो बहुत ही घना हो चुका है और इसी कारण छाया में हम वीडियो बना रहे हैं। ये लंग बहुत दूर तक जाती है, ये तुलसी चक तक जाती है। बगल का गांव है, यहाँ आप आराम कर सकते हैं। मेरे गांव में बहुत शांति लगता है। यहाँ पर आप कुछ बोलना भी चाहें। चारों तरफ धान रोपा चुका, आपका धान रोपाया या नहीं आप बताइए कमेंट करके जरूर। ये बच्चा जो दूसरी गांव से आ रहा है मेरे गांव में तिल फिराने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमको दिखा रहे हैं कि इतनी चारों तरफ पेड़ है। हमारे यहाँ गर्मी तो बहुत पड़ती है लेकिन इन पेड़ों के कारण राहत भी बहुत मिलता है। ताड़ के पेड़, बबूल का पेड़, हमारे गाँव में सभी तरफ का पेड़ है। हरियाली इतनी है कि गर्मी उतना इफेक्ट नहीं पड़ पाता है। मेरा मन जब भी करता है गर्मी लगने लगता है तो हम घर आकर अपना दिन गुजार देते हैं। मोबाइल में यहाँ बहुत ही शांति मिलती है। अपने विचारों को खुले आप देख सकते हैं, इतना शांति कि आप चारों तरफ कोई आदमी को मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। कोई व्यक्ति आसपास नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि मैं 3 बजे आ रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब तेज़ लंबे लंबे तार हैं और ये खेत कोई हरा है कोई नहीं हरा है, वो आगे पीछे रुकने के कारण हो चुका है। ये मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे बकरी मिला लेकिन घास चल रहा है। ये अलंग ही अलंग है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देख सकते हैं आप, छोटा बच्चा भी बकरी का है लेकिन धूप में घास चल रहा है। ये मैं तार का बगान है, पाम ट्री। सूरज की किरणें उतार रही है कि 4 बज चुका है। देख रहे हैं गांव का बाहर का व्यू है, खेतों का। हमें गांव का है सब बाउंड्री जिसमें भैंस बकरी चलते रहते हैं हमेशा। लेकिन चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान है। मेरे गांव में ज़्यादा घर नहीं, लेकिन 100-150 घर की होंगे। भैंस घास चल रही है। मैं भैंसों बकरियों को फोटो म्यूजिक से लेने जा रहा हूँ। बकरी तो घास चलने में मशहूर है लेकिन देखिए भैंस के पीठ पर एक चिड़ी बैठा हुआ है जो कि बहुत ही काली है। मैं अपने बाउंड्री में आ चुका हूँ। देख सकते हैं एक तालाब है, सूखा मैदान भी है और बहुत सारे भैंस घास चल रही हैं। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है। हम बाउंड्री से होते हुए आगे बढ़ते हैं और निकलते हैं अपने दूसरे गांव की गली में। एक गली कच्ची है, बहुत ही कच्ची है। एक नाली भी बहती है, हमेशा बरसात में तो बहुत ही ख़राब हो जाता है। एक गांव का बहुत पिछड़ा इलाका है। गांव की सड़क से हम आगे बढ़ते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। ये हम आ गए अपने पुराना सबसे बड़ा पेड़ है, इसका नाम पीपल का है। हम पीपल के छांव में वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ स्कूल का मैदान खाली है जिसमें धान रोपा हुआ है। ये मेरा स्कूल है, मैंने 1 से 5 तक की पढ़ाई यहीं से की थी। अब मैं 12th पास आउट हूँ। ये मैं शिव का मंदिर है। सोमवार के दिन है, शाम को लोग पूजा करने आएंगे। यहाँ से उतरते हैं, ट्रांसफॉर्मर भी है, घर भी बना बहुत बना हुआ है।
देख सकते हैं घर और लोग आ भी जा रहे हैं, लेकिन धूप के कारण लोग यहीं पर आकर बैठते हैं। ये रहा पेड़, आगे उतरते हैं, हम देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है, मंदिर है, ये स्कूल का आपको दिखा रहे हैं सामने से व्यू, पेंटेड हो चुका है, नया ही पेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि रोड गली की हाईवे जाके मिल जाएगा आगे जाकर। यहाँ पर कुछ बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे थे, देखिए ये बाइक से आ रहा है, सब फोटो भी लेते हैं हम। ये मेरा बड़ा सा इमली का पेड़ है क्योंकि हर साल फटता है। आगे चारों तरफ धान ही धान आपको बुझा रहा होगा, मतलब मेरा 100% 98% का गांव मेरा हरा ही हरा हो चुका है। अब मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ और वीडियो का लास्ट गेट पर ही करते हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पर हम आ गए। मैं अपने घर आ गया, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।